भाजपा कार्यालय में कई युवा कांग्रेसियों द्वारा किए गए तोड़फोड़ के विरोध में भाजपाइयों ने बीती रात सीएसीबी चौकी का घेराव करते हुए मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त किए जाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। दोषी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपाइयों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। 1100 की मांगों को लेकर ऊर्जाधानी भू विस्थापित कल्याण समिति ने एसईसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों ग्रामीणों के साथ संगठन ने गेवरा खदानी उत्पादन के साथ ही परिवहन को ठप कर दिया। सुबह होते ही आंदोलनकारी खदान के भीतर घुस गए और उत्पादन में लगी मशीनों को बंद करा दिया। भू विस्थापितों के इस आंदोलन से प्रबंधन को बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही है। जांजगीर जिले में बाइकों की लगातार हो रही चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 36 बाइकों को बरामद किया गया है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चोरी की दोपहिया वाहनों की खरीदी बिक्री किया करते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने कंप्यूटर प्रिंटर लैपटॉप कई मोबाइलों को जब्त किया है। पूजा पाठ करने के दौरान एक महिला आग की चपेट में आने से सामान्य रूप से झुलस गई। सीएसएबी कॉलोनी में रहने वाली महिला जानकी साहू के साथ यह घटना घटी है। महिला को पहले सीएसएबी के विभागीय अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सामान्य रूप से जलने के कारण महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही कोरबा में सांप निकलने की घटनाओं में एक बार फिर से वृद्धि हो गई है। शहर में रोजाना कहीं न कहीं सांप निकल रहे हैं, जिससे लोग दहशत में आ रहे हैं। एक बार फिर से ग्राम दादर खुर्द स्थित कुएं में करैत सांप गिर गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसी तरह पौड़ी बहार इलाके में रहने वाली एक महिला के घर कोबरा सांप प्रवेश कर गया, जिसका सर्प मित्रों ने जैसे तैसे रेस्क्यू किया। बेमेतरा जिले के ग्राम डंगनिया में रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। पिछले एक माह से यहां अवैध कार्य चल रहा है, लेकिन उस पर रोक लगाने का काम साहस किसी में नहीं है। शिवनाथ नदी के साथ ही उसकी सहायक नदियों से रेत के हो रहे अवैध उत्खनन से सरकारी राजस्व को जहां नुकसान पहुंच रहा है, नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। दिन रात यहां रेत की अवैध निकासी हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। प्रशासन को जब इस मामले से अवगत कराया गया, तब अधिकारियों ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। प्रदेश के गृह जेल व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू सपरिवार देर शाम राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बम्लेश्वरी देवी की विधिवत पूजा कराकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कोरबा के ग्राम पंचायत गिधौरी में रहने वाले ग्रामीण इन दिनों काफी परेशान चल रहे हैं। नल जल योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए जेसीबी मशीन से गड्ढा तो खोद दिया गया, लेकिन उसका समतलीकरण नहीं होने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण लोग हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि मार्ग को दुरुस्त करने की दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए।